सो हे गाइस, वेलकम बैक टू पिंकी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। कैसे आप सब? होप करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं और मेरी फैमिली भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, आज की वीडियो, ये स्पेशल वीडियो, ये उन लोगों के लिए जो इस दौर से गुजर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे वीडियो को। तो गाइस, ये स्पेशल वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो न्यू मॉम बनने जा रही हैं। और तो मैं अपने बेबी सिम्टम्स के बारे में आप लोगों के साथ बात शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आप लोगों को नानी दादी रिलेटिव्स, आपकी गली मोहल्ले वाले अड़ोस पड़ोस आप लोगों को कहते हैं कि आपका बैली एरिया देख के, या फिर आपके खान पीन को देखकर, या फिर आपके चाल चलन को देखकर कि आपको बेटा होगा, तुम्हारे घर बेटा आएगा, तुम्हारे बेबी बॉय होगा, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो मैं बात करने जा रही हूँ यहाँ पर अपने बेबी सिम्टम्स के बारे में, जब मैंने अपनी बेटी कैरी की हुई थी। तो चलो, क्योंकि हर माँ के मन में आती है कि वो मेरा बेबी बॉय होगा या फिर बेबी गर्ल होगी, जो इतने दिन वेट करते हैं, फर्स्ट मंथ से लेकर 9 मंथ तक वेट करते हैं मॉम डैड, तो वो यही सोचते हैं कि हमारे घर क्या होगा, एक बेबी बॉय होने वाला है या फिर बेबी गर्ल होने वाली है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो बात कर लेते हैं गाइस पहले मॉर्निंग सिकनेस के ऊपर। तो बहुत लोग होते हैं, बेबी सिम्टम्स के बारे में शेयर करना चाह रही हूँ बात, तो आप लोग समझ लेना। आप लोगों को नहीं समझ में आए तो मेरे को आप लोग कमेंट में ज़रूर बता देना गाइस। तो बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे मॉर्निंग सिकनेस के ऊपर। तो गाइस, मेरे केस में ऐसा था जब मैंने अपनी बेटी कैरी की हुई थी, तो कि आप लोगों को, लोग कहते हैं अगर आप लोगों को वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही है तो आपको बेबी बॉय होगा, और अगर आप लोगों को कुछ नहीं होता, आप लोग नॉर्मल हो, तो आपको वहाँ बेटी होती है। तो गाइस, ये मेरे केस में बिल्कुल सरासर गलत था। और तो मुझे गाइस एक प्यारी सी बेबी गर्ल हुई है, तो ये सरासर मेरे केस में गलत था। तो बात कर लेते हैं अपने स्वेलिंग के ऊपर। और जैसे वह नानी दादी लोग कहते हैं कि आप लोग के, जैसे कहते हैं पैर भारी होना, जैसे ये स्वेलिंग आ जाना हैंड पे, फेस पे, पैरों में, तो आप लोगों को देख के लोग कहेंगे आपको बेटा होगा। और ये भी मेरे केस में बिल्कुल गलत था गाइस, कि मेरे पैरों में इतनी स्वेलिंग होती थी, इतनी स्वेलिंग रहती थी, और सुबह उठती थी मैं सोकर तो हैंड भी सूज जाते थे, मेरे फेस भी बहुत ज़्यादा सूजा रहता था। तो गाइस, ये केस में भी मेरे बिल्कुल गलत था। और तो गाइस, ये आपके बेबी बम के ऊपर रहता है कि आपने हाई कैरी किया हुआ है या फिर लो कैरी किया हुआ है। तो गाइस, उस वजह से, और आपके हार्मोन्स के ऊपर होता है, तो इस वजह से आप लोगों के स्वेलिंग आ जाती है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने मूड स्विंग्स के ऊपर। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को रोना आना या हंसी आना, या फिर बहुत सी चीज़ें होती है प्रेगनेंसी में, एक प्रेगनेंट लेडी समझ सकती है जो इस टाइम से गुजर रही है। तो गाइस, मैं अपने केस के बारे में बता दूँ तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। और लास्ट के 9 मंथ में मेरे को 5-6 दिन से रोना आता था, किसी भी बात पे, अपना अकेले पड़े हो या फिर मूवी देख ली कोई तो उसको देख के रो लेना, और हस्बैंड से मतलब कहता ना चिड़चिड़ापन, तो हस्बैंड से किसी भी बात को लेके लड़ लेना, ये लास्ट में हुआ था मेरे साथ। तो यहाँ पर भी मुझे बेबी गर्ल हुई थी, तो ये केस में भी मेरे फिर से गलत था। तो बात कर लेते हैं हम गाइस अपने फूड क्रेविंग के ऊपर। तो अगर आप लोगों को मीठा खाना पसंद है तो आपको बेबी गर्ल होगी, तीखा चटपटा खट्टा खाने का मन है तो आपको बेबी बॉय होगा। तो गाइस, फिर से ये मेरे केस में गलत था सरासर। और मुझे इतना तीखा खाना पसंद था, फर्स्ट मंथ से लेके 9 मंथ तक पूरे मैंने तीखा ही तीखा खाया, और आज भी मुझे अच्छे से याद है कि मैंने लास्ट में भी इतनी तीखी आलू की सब्जी खाई थी। गाइस, मेरे केस में तो ये बिल्कुल सरासर गलत था, मुझे बेबी गर्ल ही हुई है। मैं तो इस चीज़ को नहीं मानती कि बेबी गर्ल हो रही है मेरे घर में या फिर बेबी बॉय आने वाला है। बात कर लेते हैं हम लोग अपने वेट के ऊपर। जैसे कि आप लोग प्रेगनेंसी से पहले आप लोग 50 हो, और प्रेगनेंसी में आपका वेट बढ़ता जा रहा है, तो आपको बेबी बॉय होगा, और वहीं आपका वेट थम जाता है या फिर डाउन हो जाता है उल्टा, तो आपको बेबी गर्ल होगी। तो गाइस, इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर आपको मैं फिर से बता रही हूँ कि आपके खान पीन के ऊपर ये रहता है, तो उस तरह से आपका वेट जाता है। तो मेरा वेट तो गाइस 49-50 रहता था लास्ट प्रेगनेंसी से पहले, और जब मैंने प्रेगनेंसी में बेबी कैरी किया हुआ था तो मेरा वेट हाई ही जा रहा था। गाइस, बात कर लेते अपने ब्यूटी को लेकर। तो आप सुंदर हो जाते हो, आप हेयर अच्छे हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं अगर, तो आपको बेबी गर्ल होगी। और वहीं आप लोगों के बाल टूटने लग जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं, या फिर आप लोग बेकार हो जाते हो बिल्कुल, तो वहाँ आपको बेबी बॉय होता है।
तो गाइस ये ज़रा सर मेरे केस में था, ये भी गलत था। और यहाँ पर मुझे बेटी हुई थी, और क्योंकि मेरे हेयर, गाइस आप लोगों को मैं क्या बताऊँ, मेरे हेयर ऐसे हो गए थे जैसे मैंने कभी ज़िंदगी में हेयर ही नहीं धोए अपने, और मुंह भी इतना ब्लैक हो गया था मेरा। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी, प्रेगनेंसी वाली वीडियो देखी होगी, जब मेरे पेट में बेटी थी मेरी, तो आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी, तो मैं कितनी ब्लैक थी। और जहाँ पे मैंने हॉस्पिटल बैग भी रेडी किया है, वो भी वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो भी जाकर देख लेना, उसमें भी मेरा फेस देख के आप लोगों को पता चल जाएगा मैं कितनी ब्लैक हो रही थी। तो ये केस में भी मेरे साथ गलत था। अब बात कर लेते हैं अपने स्किन को लेकर, आप लोगों की स्किन अच्छी हो जाती है, ग्लो हो जाती है तो वहाँ आपको बेटी होती है, और आप लोगों का डल हो जाता है फेस तो वहाँ आपको बेटा होता है। तो गाइस ऐसा लोग कहते हैं कि बेटा कैरी किया हुआ है तो आपका फेस वगैरह सब ब्लैक हो जाता है, आपको देखकर, फेस को देखकर ही ना आप लोग कहेंगे आपको बेटा होने वाला है। तो यहाँ पर भी मैं पूरी ब्लैक पड़ गई थी, तो ये पॉइंट भी गलत है मेरे केस में। बात कर लेते हैं गाइस हम अपने बेबी पोजिशन मूवमेंट के बारे में। आपका बेबी राइट साइड पे मूवमेंट ज़्यादा करता है तो आपको बेटी होती है, और लेफ्ट साइड में मूवमेंट करता है तो आपको बेबी बॉय होता है। तो गाइस मैंने तो पूरे प्रेगनेंसी में लेफ्ट साइड ही सोई, मैं सोचती भी थी ना राइट साइड पे, तो मुझे नींद ही नहीं आती थी, मुझे सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम होती थी गाइस, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। और मैं पूरी प्रेगनेंसी लेफ्ट साइड ही सोई हूँ। तो बात कर लेते हैं हम आपकी बेली बटन लाइन जो होती है, जो आपके ब्रेस्ट से लेके पूरे नीचे तक आपकी अगर वो जो लाइन होती है वो एकदम स्ट्रेट है तो वहाँ आपको बेटा होता है। अगर आप लोग की वो थोड़ी सी भी ऊपर से सीधी आ रही हो, बैली बटन के नीचे से लेके हल्की सी भी अगर जिद्दक हो रही है तो वहाँ आपको बेटी होती है। तो गाइस मेरी पूरी बैली लाइन जो होती है वो मेरी बिल्कुल स्ट्रेट थी, और मैं बेटी होने के सिम्टम्स के बारे में आप लोगों के साथ बता रही हूँ, आप लोग माइंडली मत लेना, किसी किसी केस में रियल भी हो जाता है, किसी किसी केस में नहीं भी होता। मैंने दो वीडियो ज़रूर देखी थी, मैं आप लोगों को झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने भी दो वीडियो ज़रूर देखी थी, क्योंकि हर माँ सोचती है कि मेरे पेट में पल रहा है वो बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है। तो बेबी बॉय होने पे क्या सिम्टम्स रहते हैं और बेबी गर्ल होने पे क्या सिम्टम्स रहते हैं, तो ज़रा सर मेरे केस में तो सब गलत थे, आप लोग जैसे कि अभी सुन भी रहे हो। और अब बात कर लेते हैं हमारे बेबी की फीटल हार्ट रेट के ऊपर। अगर लोगों का मानना ऐसा है कि अगर फीटल हार्ट रेट बेबी की डाउन जा रही है तो वहाँ आपको बेटा होता है, अगर आपकी वहीं हाई जा रही हो, ज़्यादा ऊपर हो रही है तो वहाँ आपको बेटी होती है। तो गाइस यहाँ पर भी मैं बता दूँ, तो मेरी भी, मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में 3 अल्ट्रासाउंड करवाए थे, तीनों में ही लो आई थी मेरी। मैं अपनी दीदी को भी बताती थी तो वो भी मुझे यही कहती थी कि मेरे बेटे होने के बारे पे बिल्कुल तेरे जैसा ही था, तो मुझे लगता है तेरे को बेटा ही होगा। और मेरी मामी, मम्मी, बड़ी मम्मी मतलब मेरी मौसी जी मुझे यही कहती थी, मुझे देखकर कह रही थी तुझे बेटा ही होगा, और सब मेरे को यहाँ पर भी देख के यही कहते थे कि तुझे बेटा होगा। और नहीं गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, मेरे घर पे क्यूट सी नन्नी परी है, मुझे प्यारी सी बेबी गर्ल हुई थी, हम लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, मैं, मेरे हस्बैंड सब ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। और जब हॉस्पिटल में जब मेरी बेबी हुई थी, मैं गाइस इसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी इस वीडियो के बाद, तो गाइस आप लोग मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो जब मेरी बेटी हुई थी ना गाइस, तो मेरी मम्मी, बड़ी मम्मी, तो ये सब तो झूठ मार, तो ओटी में चली गई थी, और जब पता चला था ना इन लोगों को कि मेरी बेबी गर्ल हुई है तो कोई भी नहीं मान रहा था गाइस कि मुझे बेटी हुई है, और नर्स ने जाके कहा था कि नहीं आपके घर में लक्ष्मी आई है। तो सच में गाइस, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, क्योंकि नसीब वाले होते हैं जिनको बेटियाँ मिलती है, घर पे एक प्यारी सी नन्ही सी बेटी हुई थी। तो गाइस इस केस में बिल्कुल मेरे साथ गलत था, आप लोगों ने जैसे कि मेरी वीडियो अगर सुन ली होगी, क्योंकि उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो अगर जिसको समझ में आई है और जिसको नहीं भी समझ में आई है ना तो वो एक प्यारा सा कमेंट कर देना गाइस, और मुझसे पूछ सकता है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों को अगर मेरी प्रेगनेंसी चल रही है आप लोगों को जाननी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी जाके, अभी मेरी वीडियो देख रहे हो ना तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं किसी अच्छी और नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए गाइस बाय बाय।